सो वेरी गुड आफ्टरनून, मैं हूं आरजे अनिमेश और माय एफएम की 14th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन यहां पे चल रहा है, जहां पर जबरदस्त माहौल बना हुआ है, खूब म्यूजिक सेलिब्रेट किया जा रहा है, खूब मस्ती हो रही है और 14 लीटर पेट्रोल तो आप हर घंटे जीत ही रहे हैं। अब एनर्जी, वाइब्रेशन सब कुछ बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है, हमारे अपने एमएलए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी विकास उपाध्याय जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और बहुत धन्यवाद मैं आपको कहता हूं कि आपने इस मौके को और हमें सेलिब्रेट करने का मौका दिया। माई एफएम की 14th एनिवर्सरी, 14 साल का सफर रायपुर के साथ माई एफएम का पूरा हुआ है, आपकी कैसी यादें, कैसा जुड़ा माई एफएम के साथ? अनिमेश जी, सबसे पहले तो मैं माई एफएम 94.3 की पूरे इस परिवार को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। रायपुर राजधानी को इन 14 साल में मेट्रो की राजधानी के तर्ज पर आपने ले जाने का काम किया, जिस प्रकार से हम पहले बाहर जाया करते थे और एफएम के माध्यम से लोगों को सुना करते थे, उसी तर्ज पर रायपुर राजधानी में आपकी संस्था ने एक अनूठी चीज की, जिससे लोगों में एक रिफ्रेशमेंट की बात हो। और सबसे खासियत इस बात की है कि आपने हर वर्ग को जोड़ा है। यूथ के लिए आपके अलग प्रोग्राम है, महिला इम्पावरमेंट के लिए आपके अलग प्रोग्राम है, उसके साथ साथ बुजुर्गों के लिए, परिवार के लिए एक अलग अलग प्रोग्राम लेकर आपकी टीम, आपकी संस्था लगातार 14 साल से रायपुर राजधानी को अलग आयाम में लेकर जा रही है। मैं समझता हूँ कि रायपुर राजधानी का एक हिस्सा अब माई एफएम 94.3 को अपना जीवन का एक रूटीन लोग समझने लग गए हैं। जो व्यक्ति घर से बाहर जाता है वो तुरंत आपके साथ जुड़ जाता है, और मैं समझता हूँ ये इससे बेहतर कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती कि आपको अपना एक अंग, एक पार्ट समझकर लोग अब आपके साथ जुड़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये एक बड़ी खासियत आपकी संस्था की। जी 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 बिल्कुल, और ये तारीफें सुनने में बहुत अच्छी लग रही, खासतौर से आपसे, क्योंकि जो हमने आपको देखा है रायपुर बेहतरी के लिए जो छटपटा रहा था और उसकी बेहतरी के लिए जो आपकी छटपटाहट थी, वो संघर्ष भी हमने देखा है और आप लगातार अभी भी फ्रंट फुट पे रहते हैं कि रायपुर बेहतर हो जाए, रायपुर के लोग बेहतर हो जाएं। और खासतौर से मैं आपसे उस दौर को जरूर शेयर करना चाहूंगा जब हमने कोविड की सेकेंड वेव से लड़ाई की थी, वो बहुत टफ टाइम था सारे रायपुरियंस के लिए, और आपने दिन रात एक कर दिए थे पूरे देश में एक चौक अगर अपनी पहचान बना पाया था तो हमारा टाटीबंध चौक था, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में जो हमारे भाई हैं पैदल चलते हुए आ रहे थे, आप उनके लिए भोजन, उनके रहने की व्यवस्था, उनके बसेस, उनके लिए जूते चप्पल चरण पादुकाएं इकट्ठा कर रहे थे, वो कैसा दौर था, कैसा जुड़ाव था? देखिए अनिमेश जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिनकी संवेदनशीलता उन लोगों के साथ थी जो पूरे देश में पैदल निकलकर एक जिले से अपने प्रांत को, अपने घर को लौट रहे थे। जो काम नहीं था, कोरोना COVID-19 था, सब जगह लॉकडाउन था, लोगों के पास रोजगार नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था, उनके पास कोई चीज की व्यवस्था नहीं थी। उस समय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्टैंड लिया, भूपेश बघेल जी ने, और इस बात का ऐलान किया कि हमारे प्रदेश की धरती से कोई भी व्यक्ति पैदल नहीं जाएगा। गाड़ी की व्यवस्था की गई, हमारे प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में लोग पैदल चल रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा प्रदेश था जहाँ कोई भी व्यक्ति रोड पर आपको पैदल नहीं दिखता। लोग अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों को साथ में लेके चल रहे थे, अपने बच्चों को साथ में लेके चल रहे थे, कई किलोमीटर की पैदल यात्रा में किसी के चप्पल फट गए, किसी के कपड़े फट गए, उसके बावजूद यहाँ की सरकार और यहाँ की बहुत सारी संस्थाएं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में इस प्रदेश की धरती में एक भी आदमी भूख से किसी की मौत नहीं हुई, और उसको उनके प्रदेश के गृह जिले तक छोड़ने का काम हमारे प्रदेश ने किया। सब लोगों ने मिलजुल के काम किया, बहुत भयावह स्थिति थी कोरोना का, वो टाइम पीरियड आज भी देखकर मन पसीज जाता है कि कैसी परिस्थितियां थी, कैसे माहौल वातावरण बना था, हर जगह एक अलग विपरीत परिस्थितियां थी। लेकिन उसके बावजूद मैं एफएम को भी इसमें जोड़ना चाहता हूँ, माई एफएम को, जो आप लोगों ने अवेयरनेस को लेकर, जागरूकता को लेकर बार बार इसमें प्रोग्राम चढ़ाया जाए, COVID-19 की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, ये तमाम प्रकार की चीजों में आपकी संस्था ने बहुत सहयोग किया, और मैं समझता हूँ कि किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, सबके मिलजुल के एक कंबाइंड एफर्ट्स है। हम टाटीबंध एक चौराहा है जहाँ, जो नेशनल हाईवे में पड़ता है, वहां जितने लोगों की रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इवन उनको चप्पल दवाई से लेकर हर चीज की व्यवस्था, अगर छोटे बच्चे साथ में हैं तो उनके लिए दूध की व्यवस्था, बुजुर्ग साथ में हैं तो उनके लिए फ्रूट की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था, कपड़े से लेकर
हर चीज की व्यवस्था हम लोगों ने की और ये काम ये अवसर हम लोगों को मिला काम करने का और मैं उन तमाम साथियों को आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं जो हम लोगों के साथ इस रायपुर राजधानी और छत्तीसगढ़ के नाम को आगे बढ़ाने में उन लोगों की मदद करने में सबसे पहल की। जी बिल्कुल, और मुझे आपकी एक लाइन बहुत अच्छे से याद है, जब हमारा जो ऑडिटोरियम है वहां पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ और शुरुआती दौर था, थोड़ी बेचैनी थी, थोड़ा एक्साइटमेंट था, वहां पे भीड़ लग गई। आप वहां पर आए थे और आपने कहा था वहां पे युवा भारी तादाद में थे, तो आपने कहा था कि यार युवाओं की पहचान तो डिसिप्लिन होनी चाहिए और आप सब लाइन से क्यों रखते। उसके बाद उस रायपुर पश्चिम का जो एरिया है वहां पे आपने 3-4 टीकाकरण केंद्र और खुलवाए, उसके बाद जाकर भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए हर दिन सवेरे से आप वहां पे जाते थे। लेकिन वो जो एक लाइन थी आपकी कि युवाओं की पहचान तो डिसिप्लिन होनी चाहिए, आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, जैसा फेज है, हमने बहुत हद तक कोविड को हरा दिया है, स्टिल हमारे MyFM के जो युवा साथी हैं जो आपको सुन रहे हैं, आपकी अपील अभी भी वही है, क्या उनसे कहना चाहेंगे? देखिए रमेश जी, युवा किसी भी चीज को बढ़ाता है और बनाता है, और स्ट्रेंथ अगर किसी भी चीज की, किसी भी फर्म की, किसी भी संस्था की, किसी भी कंपनी की, अगर कोई किसी भी संगठन की कोई अगर स्ट्रेंथ है तो यूथ है। हम यूथ के माध्यम से बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब छत्तीसगढ़ में लोगों को पैदल नहीं भेजना था, गाड़ियों में भेजना था, चप्पल की व्यवस्था करना था, खाने की व्यवस्था करना था, तो यूथ सबसे आगे आए। टीकाकरण में लोगों की उत्सुकता थी और जान की भी बात थी। कोरोना की त्राही त्राही कोरोना पूरे देश में और पूरे विश्व में फैल रहा था। लोग जो वैक्सीनेशन होना है, उस वैक्सीनेशन में कैसे मेरी बारी आ जाए, इसमें लोग लगे थे कि मैं ना छूट जाऊं, मैं मेरी जान मत चली जाए। तो उस समय हमको धैर्यता से काम लेना था। हम यूथ को समझा सकते थे, हम यूथ के बीच में गए, जो परिवार के सीनियर लोग हैं उनके बीच में गए और निवेदन हमने किया कि सबके लिए वैक्सीनेशन, सबको वैक्सीन मिलेगी, सबका वैक्सीनेशन होगा, थोड़ा धैर्य और पेशेंस रखने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ रायपुर राजधानी और छत्तीसगढ़ में ये चीज धैर्यता लोगों के पास में है, पेशेंस लोगों के पास में है, और धीरे धीरे देखिए पूरे रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन भी बहुत जोर शोर से हुआ और लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। जो लोग लगाने वाले थे, जो लोग इस पूरे आयोजन में, इस पूरे प्रोग्राम के जो पार्टिसिपेट लोग थे, जो जिन लोगों ने दिन रात अपनी जान की परवाह भी नहीं की और लोगों की मदद के लिए खड़े रहे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग साथ में थे या जो लोगों को वैक्सीनेशन लगना था, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि धैर्यता उन लोगों ने दिखाई। जी 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 बिल्कुल, और साथ में अगर रायपुर की एक नई पहचान की बात करें जिससे हमारी संस्कृति भी जुड़ी हुई है, इतिहास भी जुड़ा हुआ है, पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है, तो वो है हमारा महादेव घाट, जहां पर पावन खारून नदी बहती है और अक्सर आप वहां पे पूरी ऊर्जा के साथ देखे जाते हैं। वहां पे चाहे वो तटबंधों की सफाई का मामला हो, चाहे उसके रेनोवेशन का मामला हो, चाहे उसका जो स्वरूप है जो रायपुर और छत्तीसगढ़ वाले डिस्कस करते हैं, जो रिवर फ्रंट वहां पे बनने वाला है, खारून नदी का वो महादेव घाट, आपका जुड़ाव कैसा है? और अब तो वो चर्चा में भी है, लोगों के सपनों में भी है, क्या कुछ आगे, कितना गर्व महसूस होता है? देखिए रायपुर राजधानी में जो रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने यहाँ जन्म लिया, जो यहाँ पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप, जो लोग यहाँ पर रहे, वो लोग रायपुर के हटकेश्वर महादेव जी का मंदिर और खारून नदी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और अलग अलग तीज त्योहारों में हम हर्षोल्लास के साथ वहाँ प्रोग्राम आयोजन करते हैं, उसमें वहाँ के ग्रामीण लोग, वहाँ रायपुर राजधानी में रहने वाले लोग, सब लोग एकत्रित होते हैं। अब उसको, उसकी भव्यता, उसकी सुंदरता को और भव्य बनाने की एक ऐतिहासिक फैसला प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लिया और मैं समझता हूँ उसको ऐतिहासिक बनाने का की शुरुआत भी की। देखिए कोई भी राज्य में जो सरकार होती है, सरकार का मुखिया होता है, अगर वो किसी चीज को ठान ले, अगर किसी चीज को बड़ा करने का या उसकी भव्यता को और सुंदर करने का अगर वो ठान ले, तो वो जरूर पूरी होती है। हम यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कल्चर, यहाँ के तीज त्योहारों को विश्व पटल पर ले जाना चाहते हैं। और देखिए 3 साल में, और जबरदस्ती से नहीं, यहाँ के लोग, यहाँ हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, हर प्रांत के लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़ आने के बाद वो यहीं बस जाते हैं और यहाँ के तीज त्योहार, यहाँ की रीति नीति, यहाँ के कल्चर, यहाँ के ट्रेंड को मानने के लिए तैयार होते हैं और मान रहे हैं। और जिस प्रकार से एक पूरा आबोहवा बना हुआ है यहाँ की जो पूरा तत्व, जो पुरानी चीजें हैं, जो ऐतिहासिक है, जो आज से 100 साल पहले भी अगर कोई रायपुर राजधानी आया होगा तो वो हटकेश्वर महादेव जी का मंदिर और खारून नदी को जानता है। उसको कैसे डेवलप किया जाए, उस पर कैसे हम लोगों को आकर्षित करें, इसको लेकर हमारे सरकार की भी सोच है। और मैं समझता हूँ, मेरा तो विधानसभा क्षेत्र है, मैं, हमारा तो दिल से लगाव है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, हमारे लिए मंदिर है,
हमारे लिए घर है और वहाँ अगर कोई चीज अच्छी होगी तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई दूसरी चीज नहीं होगी। जी बिल्कुल, और मैं एक चीज को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि हो ना हो विकास उपाध्याय जी सुन रहे होंगे, क्योंकि अर्ली राइजर आप हैं और हमारा जो यूनिवर्सिटी कैंपस कह लें, साइंस कॉलेज का जो आसपास का एरिया है, वहां पर वर्जिश करते हुए भागते दौड़ते हुए आप दिखाई देते हैं और भी लोग हैं जो आपको देख के वहां पर दौड़ने भागने आते हैं। तो ये नया साल ही है एक तरीके से, मकर संक्रांति अभी हमने मनाई है, नया साल अभी अभी मतलब दूसरे तीसरे हफ्ते में है, फिटनेस का जो आपका जुनून है, जो पैशन है, ये आप अक्सर युवाओं तक और जितने भी चाहे बुजुर्ग भी हो उनकी भी आप ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं कि कुछ तो वक्त निकाल के फिटनेस के लिए आप कोशिश करते रहे। आपकी दिनचर्या बड़ी व्यस्त रहती है फिर भी फिटनेस के लिए आप वक्त निकाल लेते हैं, जो फिटनेस के लिए अभी बहाने करते हैं, क्या आप उनसे कहेंगे? अनिमेश जी देखिए, प्रकृति के साथ हमको चलना है। जी जी जी, सूरज उगने का समय हो जाता है मतलब आपको बिस्तर छोड़ना है। हाँ बिल्कुल, ये अगर हम उसको हम उठ नहीं रहे मतलब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो इस प्रदेश और इस राजधानी के युवा साथियों से, जो हमारे सीनियर लोग हैं, उनसे देखिए कोरोना इस कोविड के दो साल भयावह दो साल में उन्हीं लोगों की जान बची है, वही लोग सफर कर पाए हैं जो लोग अपने बिस्तर को सवेरे 6 बजे छोड़ दें। जी बिल्कुल, जो लोग ग्राउंड पर सवेरे 6 बजे पहुंच जाए, कोई योगा के माध्यम से, कोई वॉकिंग के माध्यम से, कोई रनिंग के माध्यम से, कोई एक्सरसाइज के माध्यम से, कोई खेल के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ उसकी स्ट्रेंथ, अंदर की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, उसका पावर भी बढ़ेगा और हर चीज में उसको मदद मिलेगी। मैं सभी लोगों से मेरा अपील और निवेदन है, मकर संक्रांति अभी गई, अभी हम नए साल को मनाते हैं और बहुत धूमधाम से पूरे देश के अंदर भले नाम अलग अलग हो लेकिन सब इस दिन को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो मेरी सबसे अपील और निवेदन भी है कि अपने परिवार का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, खूब वर्जिश करें, खूब सवेरे उठकर आप वॉकिंग करें, रनिंग करें, योगा करें, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें और जहां आप रहते हैं वहां पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम आपकी इस कदम से, आपकी इस पहल से जरूर लोगों के बीच में जाएगा। बिल्कुल, तो हेल्थ का ये रेजोल्यूशन जो है वो आप जरूर लें और आपके रोल मॉडल जो है वो बिल्कुल आपके सामने है, आप इन्हें ज्वाइन भी कर सकते हैं सवेरे सवेरे उस यूनिवर्सिटी कैंपस में। हम 14th एनिवर्सरी विकास जी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमने इस बार तय किया कि हमारे जो लिसनर साथी हैं, जो रायपुरियंस हैं, छत्तीसगढ़ वासी हैं, उनको हम कुछ एक रिटर्न गिफ्ट दें, क्योंकि उनका बहुत प्यार मिला है हमको 14 सालों में, बहुत नसीहतें भी मिली हैं कि ऐसे MyFM को ऑपरेट करना चाहिए, प्यार बहुत मिला है। तो हम रिटर्न गिफ्ट में उन्हें मौका दे रहे हैं 14 लीटर पेट्रोल जीतने का हर घंटे। तो ये आपको सुनने में कितना एक्साइटेड लग रहा है? बिल्कुल, देखिए नई चीजों को करने से जिज्ञासा भी बढ़ेगी, लोगों के मन में एक अलग उत्साह होगा और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा के साथ, कंपटीशन के साथ आपने उनको रिवॉर्ड देने का फैसला लिया है। ये ऐतिहासिक चीज है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग रोज देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। देखिए इंटरटेनमेंट भी है जी, एडवेंचर भी है जी, और इसमें पार्टिसिपेट आपको करना है तो अपने आप में नई चीज है। जी 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 बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पे मौजूद हैं ही तो क्यों ना एक छोटा सा राउंड आपके साथ बिल्कुल खेला जाए। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम एक टाइमर चलाते हैं, उसमें 1 से लेकर 14 तक गिनती होती है। एक MyFM का जोकर है, विघ्न संतोषी टाइप का प्राणी है, वो नहीं चाहता है कोई जीते, तो बीच में बम बम फोड़ते रहता है। उसके बम फोड़ने से पहले अगर आपने MyFM बोल दिया तो जिस भी डिजिट पे आप MyFM बोलेंगे उतने लीटर पेट्रोल के आप हकदार होंगे। तो खेला जाए, पहले वो करके दिखाएंगे मेरे को? हाँ मैं जरूर एक काउंटर आपको सुनाता हूँ किस तरीके से हम वो गिनती चलाते हैं। तो कुछ इस तरीके की काउंटिंग होती है, 20, 1, 2, 3, 4, यू कैन विन मोर, 5, 6, 7, 8, Greedy, huh? 9, 10, 11, 12, 13, 14. तो ये इस तरीके के काउंट, पहली बार पहले भी बोल दिया था मैंने, बम फोड़ दिया। नहीं नहीं, इसमें बम नहीं फूटा है अभी, बम कुछ इस तरीके से। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, यू लॉस्ट इट। तो ऐसे हमने बहुत सारे काउंटर बनाए हैं, कुछ काउंटर्स में बड़ी ट्विस्ट भी है, तो एक राउंड आपके साथ खेला जाए। और तो हम अब इस वक्त हर घंटे जो 14 लीटर पेट्रोल जीतने का ये सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला हमारे जो बहुत ही एनर्जेटिक और सबके चहेते हमारे इस वक्त विधायक रायपुर पश्चिम विकास उपाध्याय जी हैं, उनके साथ खेलने वाले हैं। मैं आपको जो काउंटर दे रहा हूं उसमें भी थोड़ी ट्विस्ट है, ठीक है, और बड़ा मजा आएगा। तो आप तैयार हैं, काउंटर शुरू किया जाए।
जो भी आपको लगता है आपका फेवरेट नंबर है और बम फूटने के पहले का नंबर है उस पे आपको माय एफएम बोलना है. एंड हियर वी गो. 7 लीटर्स 10 लीटर्स. आपने जिस नंबर पे बोला वो 10 लीटर है. 10 लीटर मिल गया. 10 लीटर आपको मिल गया. ऑलराइट. वैसे आज के दौर में पेट्रोल का मिलना ये कितनी खुशी बड़ी चीज है. देखिए आप एक एक यूथ है, एक ग्रेजुएशन करने वाला लड़का है या लड़की है जो अभी 12th पास करके गई है, जो फादर उसके पेरेंट्स उनको पड़ता है, कभी पापा से मांगना पड़ता है, तो इस समय अगर पेट्रोल आप दे रहे हैं और उनको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है जी, तो मैं समझता हूँ सबसे बेहतर तो यूथ के लिए है. बिल्कुल. स्टूडेंट और यूथ के लिए सबसे बड़ी चीज है और सबसे फायदेमंद चीज है जी. इसके लिए सबसे ज्यादा आपके इस खेल में सबसे ज्यादा यूथ पार्टिसिपेट करेंगे ऐसा मैं समझता हूँ. बिल्कुल. यूथों मतलब यूथ का जम के पार्टिसिपेशन आ रहा है. और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो वुमेन पावर है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो भी पीछे नहीं है, बराबर टक्कर दे रहे हैं. तो बड़ा कड़ा मुकाबला यहाँ पे चल रहा है. और वैसे भी रायपुरियंस जब मुकाबला करते हैं तो कॉम्पिटिशन तगड़ा ही होता है. आपने हमारे जो यूथ है, हमारे जो युवा साथी, उनके लिए रेजोल्यूशन बताया, रायपुरियंस के लिए बताया. माय एफएम अपनी 14th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है. हम क्या रेजोल्यूशन लें कि हम रायपुर के डेवलपमेंट में, रायपुर के विकास में, बेहतरी में और पार्टिसिपेट कर सकें? देखिए आज आज सबसे बड़ी चीज जो है, मैंने पहले भी आपको कहा कि एक व्यक्ति से काम होने वाला नहीं. जी जी जी. लोगों की सोच अच्छी है जी, लोग समझ अच्छी है, सुझाव लोगों से आप इनवाइट करते हैं जी, जी, जी. आप सुझाव की बात करते हैं, सजेशन आप जनता से, आम आदमी से चाहते हैं जी, जी. मैं समझता हूँ, देखिए जो ग्राउंड लेवल पे जो चीजें होनी चाहिए जी. वो अगर वो सुझाव, वो सजेशन आपके पास ग्राउंड से आएगा जी. तो बिल्कुल हर चीज में, चाहे हम किसी चीज को सफर कर रहे हो या किसी चीज पे डेवलपमेंट पे बात कर रहे हो या एजुकेशन पे बात कर रहे हो या हेल्थ पे बात कर रहे हो, उससे जनता से जरूर आप रूबरू होइए, डिबेट कीजिए, उनसे सजेशन मांगिए, उनको इन्वॉल्व कीजिए, ओनरशिप दीजिए जी, जी. मैं समझता हूँ जब हम इन चीजों को देंगे तो लोगों को लगेगा भाई ओनरशिप की बात बहुत बड़ी बात होती है जी. आप किसी चीज को, किसी आम व्यक्ति को ओनरशिप की दे के बात करेंगे तो अपने दिल से रिप्रेजेंट करेगा जी, अपने जी, दिल जी. से सजेशन देगा, अपने दिल से बात करेगा. इसीलिए मैं माई एफ एम 94.3 जिस प्रकार से जियो दिल से जी, जी, आपने जी, बात जी. कही है, उसी प्रकार आप इस रायपुर राजधानी के हर मौके पर जब अच्छा अच्छा समय आता है तो भी आप लोगों की राय और सलाह मशवरा लें. बुरा वक्त होता है, कोई तकलीफ हम फेस करते हैं, तो उसके लिए भी उनसे जरूर बात करना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता हमको होनी चाहिए जी. बिल्कुल. और आपने जो कहा है वो बिल्कुल सरमाथे. हम और ज्यादा लोगों तक जाएंगे और उनकी भावनाएं हम इकट्ठी करके लाएंगे और रायपुर की बेहतरी के लिए उनके जो आइडियाज हैं वो डेफिनेटली आप हैं, हमारा प्रशासन है, जो भी जिम्मेदार पदों पे इस वक्त हैं उन तक पहुंचाएंगे, ताकि हम सब मिलकर, रायपुर से बहुत प्यार करते हैं, रायपुर को हम ऐसा बनाएं कि पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का प्यार रायपुर को मिले. और लोग कहें शहर हो तो रायपुर जैसा, और जैसा कि लोग कहते भी हैं आजकल कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जो जनता की बात को लेकर आगे चल रहा हो तो वो विकास उपाध्याय जी जैसा हो. और आपने वक्त निकाला, अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम आपके होते हैं उसके बाद भी माय एफएम की 14th एनिवर्सरी का हिस्सा बने और खासतौर से बहुत ही स्पोर्टिंगली आपने गेम खेला. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. बहुत धन्यवाद. थैंक यू.